अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। पाकिस्तान कप इफ्तिताही मैच में उमर अकमल ने शानदार सेंचुरी बनाकर बलूचिस्तान को 6 विकेटों से फतह दिला दी। वो नाकाबिले शिकस्त 136 रन बनाकर मर्द मैदान करार पाए। टाइम पंजाब के सईद अली ने 73 रन बनाए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने खुर्रम मंजूर के 36 रन के बावजूद इब्तदाई 3 विकेट 74 रन पर गवा दी। टाइम इफ्तिकार अहमद के 7 चौकों समेत 54 और सईद अली ने 6 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर अपनी टीम को संभाल लिया। बाद में आने वाले सोहेल धनी ने 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 68 रन की बारी खेलकर पंजाब को 294 रन तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। हारिस रोफ और उमर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। जवाब में बलूचिस्तान ने भी अपनी 3 विकेट सिर्फ 66 रन पर गंवा दी। उस वक्त इनिंग का आगाज करने वाले ओपनिंग बैट्समैन अवेजिया ने उमर अकमल के साथ मिलकर 4th विकेट के लिए 120 रन की शराकत कायम कर डाली। अवेजिया 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उमर अकमल ने रिवायती अंदाज से स्ट्रोक की कतार के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली और 3 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 37 रन बनाने वाले फवाद आलम के साथ 110 रन की रफाकत के बदौलत 46 ओवर में कामयाबी को गले लगा लिया। उमर अकमल ने 136 नॉट आउट में 14 चौके और 5 छक्के लगाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत लिया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।